मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। दिल्ली से वर्चुअली जुड़े बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि 25 जून को भाजपा देशभर में आपातकाल विरोध दिवस के तौर पर मनाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं जिन्होंने प्रजातंत्र का गला घोंटा है। तो वहीं जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात बूथ स्तर पर सुनकर आपस में चर्चा करने की बात कही है। अभी 25 तारीख को हम इमरजेंसी विरोध दिवस मनाने वाले हैं। इमरजेंसी का हमने विरोध किया मित्रों, यह हमारी विचारधारा थी। 22 महीने के लिए जेल गए थे 1,25,000 लोग इमरजेंसी के खिलाफ, लेकिन 25 तारीख को हम ये एंटी इमरजेंसी डे मनाएंगे। 27 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है मित्रों। ये मन की बात पार्टी ने सुनिश्चित करे हर बूथ पर हेल्थ के प्रोटोकॉल्स को निभाते हुए हमारे कार्यकर्ता बूथ पर जाकर के एक साथ मन की बात सुनेंगे भी और उसके बाद अपनी बूथ की बैठक भी करेंगे। हमारे सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे मिनिस्टर्स सब किसी न किसी बूथ पर दिखने चाहिए।